पलामू पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर हुसैनाबाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए JJMP नक्सली संगठन के 6 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। JJMP नक्सली अरविंद राम, संजय राम, कृष्णा यादव, मनोज चौहान, अजय कुमार यादव, परमात्म राम को और बिहार के औरंगाबाद जिले के टंडवा नवी नगर कुटुंबा इलाके से गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने गिरफ्तार उग्रवादियों के पास से एक देशी राइफल, एक देशी कट्टा, 10 जिंदा गोली और 7 पीस मोबाइल भी बरामद किया है। SP के मुताबिक उग्रवादियों की गिरफ्तारी की वजह से JJMP नक्सली संगठन को बड़ा झटका लगा है। SP चंदन सिन्हा ने प्रेस वार्ता करके इस मामले की जानकारी GN भारत को दी है। JMP के 6 नक्सली पकड़े गए हैं, उसमें अरविंद राम जो एरिया कमांडर है वह भी गिरफ्तार हुआ है और संजय राम जो बड़ा एक्टिव दस्ता मेंबर था, इसके अलावा 4 दस्ता मेंबर गिरफ्तार हुए हैं। हथियार गोली भी बरामद हुआ है। ये पलामू जिले और बॉर्डरिंग जो हमारा औरंगाबाद का नवीनगर, टंडवा और ससारा जिला, इस समय काफ़ी एक्टिव था। ईंट व्यवसायी जितने हैं, भट्टे मालिक को धमकाना, उनसे लेवी वसूलना, खेतीहरों से लेवी वसूलना, ये सब मुख्य काम था। इसकी गिरफ्तारी से काफ़ी खुशी है। इस पूरे ऑपरेशन में जो है SSB की जो 29वीं वाहिनी है, उनके डेल्टा कंपनी जो काला पहाड़ में है, उसकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। हमारे हुसैनाबाद पुलिस टीम के साथ उन लोगों ने काफ़ी अच्छा ऑपरेशन किया और 6 लोगों को गिरफ्तार किया। बहुत ज़बरदस्त कॉर्डोनिंग की गई, उससे वो लोग बाहर नहीं निकल पाए, अल्टीमेटली उन्होंने सरेंडर किया। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है और JJMP की ताकत लगभग अब उस एरिया में समाप्त हो गई। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।